hello students welcome to my channel i'm your math teacher charu today we will discuss next questions of exercise 13.2 chapter 13 direct and inverse proportions now question 6 so question 6 statement is a contractor estimates that three percent could revive the house in four days If he uses four persons instead of three, how long should they take to complete the job? Which means contractor estimate कर रहा है कि three person four days में जसमिंदर के house को rewire कर रहे हैं और अगर थ्री पर्सन की जगह फोर पर्सन यूज किए जाएं तो उसी जॉब को complete करने में कितना टाइम लगेगा हमें ये find करना है यानि कि हमें नंबर ऑफ डेज find करने हैं जो कि फोर पर्सन यूज कर रहे हैं जॉब को complete करने में सो वी स्टार्ट सोल्यूशन सो हम लेट करेंगे जो हमें फाइन करना है यानी कि नंबर ऑफ डेज विच इज एक्स और ये कितने परसेंट के लिए है फॉर फोर परसन्स तो अब हम टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें हम राइट करेंगे नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सनस सो जो हमें गिवन है थ्री परसेंट फोर डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज फोर है और थ्री पर्सन ऐसे ही अगर फोर पर्सन है तो हमने नंबर ऑफ डेज लेट किए हैं एक्स तो अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डेज फोर हैं तो पर्सन कितने हैं थ्री लेकिन अगर हम पर्सन इंक्रीज कर दें तो जो डेज़ होंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पर्सन होंगे तो उसी काम को कंप्लीट करने में कम डेज़ लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मोर मोर द नंबर ऑफ पर्सन्स दैन लेस द नंबर ऑफ डेज यानि कि जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतने ही कम डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में देर फोट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन तो हम यहाँ पर गिवन का यूज़ करेंगे फोर डेज में नंबर ऑफ पर्सन है थ्री सो फोर मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई फोर इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर मल्टीप्लाई थ्रीज़ ट्वेल्व यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई में फ़ोर है वो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा और एक्स के इक्वल आएगा फोर वन जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आई है थ्री सो नंबर ऑफ डेज कितनी आई हैं थ्री और थ्री डेज में फोर पर्सन वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं नाउ क्वेश्चन सेवन सो क्वेश्चन सेवन स्टेटमेंट इज अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन ट्वेंटी फाइव बोक्सेस विद ट्वेल्व बॉटल्स इन ईच बॉक्स इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग ट्वेंटी बॉटल्स इन ईच बॉक्स हाउ मैनी बोक्स

हाउ मैनी बॉक्सिस यानी कि हमें नंबर ऑफ बॉक्सेज फाइन करने हैं तो हमने लेट किए नंबर ऑफ बॉक्सिस एक्स इफ़ नंबर ऑफ बॉटल्स इन एच बॉक्सेज ट्वेंटी तो अगर नंबर ऑफ बॉटल्स ट्वेंटी हैं तो हमने लेट किए हैं नंबर ऑफ बॉक्सेज एक्स तो हम टेबल फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सिस एंड नंबर ऑफ बोटल्स तो नंबर ऑफ बॉक्सेज से फर्स्ट केस में ट्वेंटी फाइव और बोटल्स हैं ट्वेल्व तो यहाँ हमने ट्वेंटी फाइव और ट्वेल्व राइट किया है सिमिलर अगर नंबर ऑफ़ बोटल्स ट्वेंटी हैं और हमने नंबर ऑफ बॉक्स लाइट किए तो एक्स अब अगर नंबर ऑफ बोटल्स हम इंक्रीज कर देंगे तो बॉक्सेज उतने ही कम लगेंगे तो ये कौन सा केस होगा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस तो हम गिवन का यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेल्व क्वन्ट अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ट्वेंटी मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड में होगा ट्वेंटी फाइव को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थ्री हंड्रेड अब यहाँ हम इसे सिम्प्लीफाई करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी टू वन जर टू और टू थर्टी को डिवाइड करेंगे टू से तो क्या आएगा फिफ्टीन तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आई है फ़िफ्टीन तो हमने एक्स किसी लैक्ट किया था नंबर ऑफ बॉक्सेस को तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए हैं फिफ्टीन बॉक्सेस we have discussed question 6 and 7 so try question 8 and 9 yourself which is similar to previous question now question 10 so question 10 statement is two persons could fit new windows in house in 3 days so first part is one of the person fell ill before the work started how long would the job take now which means two person विंडो को फ़िट करने में थ्री डेज का टाइम लगा रहे हैं तो अगर वर्क स्टार्ट होने से पहले ही उनमें से एक पर्सन बीमार हो जाता है तब उसी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा यानी कि कितने डेज लगेंगे हमें ये फाइंड करना है सेकेंड पार्ट हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडिड टू फिट द विंडो इन वन डे तो इन्होंने कहा है कि हमें नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं कि वन डे में विंडो को फिट करने में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है सो वी स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन टेन सो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने थे नंबर ऑफ डेज सो हम फर्स्ट पार्ट में लेट करेंगे नंबर ऑफ डेज एक्स अगर हमने नंबर ऑफ डेज एक्स लेट किए हैं तो पर्सन कितने थे पहले तो कितने परसेंट थे टू उनमें से एक बीमार हो गया तो कितने परसेंट रह गए वन परसेंट सो नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू वन अब हम टेबल फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन अब नंबर ऑफ डेज थ्री थे तो पर्सन थे टू अगर नंबर ऑफ पर्सन वन है तो हमने नंबर ऑफ डेज लेट किए हैं एक्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम गिवन का यूज करेंगे अब नंबर ऑफ डेज थ्री है तो पर्सन है टू अब पर्सन अगर कम हो गया तो उसी वक्त को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा तो यानी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन लेस हो जाते हैं लेस द नंबर ऑफ पर्सन देन मोर द नंबर ऑफ डेज therefore फोर इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन तो इन्वर्स प्रपोर्शन का केस है तो so गिवन का हम यूज करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सो एक्स मल्टीप्लाई वन इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स की इक्वल थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स यानी एक्स क्या है नंबर ऑफ डेज तो नंबर ऑफ डेज कितनी आई है सिक्स तो नंबर ऑफ डेज सिक्स है जब नंबर ऑफ पर्सन वन है तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन नाउ वे स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट सो हमें सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ पर्सन फाइन करने थे तो हमने नंबर ऑफ पर्सन वाई लेट किए हैं जब हमें नंबर ऑफ डे गिवन है वन सो so, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू वाई वैन नंबर ऑफ डे इक्वल टू वन तो हम टेबल फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज तो हमें गिवन थे टू परसन थ्री डेज में कंप्लीट कर रहे थे वर्क तो टू परसन नंबर ऑफ डेज थ्री अब नंबर ऑफ डे वन है तो हमने वाई लेट किया है नंबर ऑफ पर्सन सो so, अगर नंबर ऑफ डेज लेस हो जाए लेस द नंबर ऑफ़ डेज इसका मतलब क्या हुआ मोर विल बी द नंबर ऑफ पर्सन यानी कि कम डेज अगर हैं तो ज़्यादा पर्सन के होंगे उसमें क्योंकि ज़्यादा ही पर्सन कम डे में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं तो ये किसका केस है पर प्रपोशन का सो so, हम यूज करेंगे गिवन का वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई मल्टीप्लाई वन इक्व टू तो टू मल्टीप्लाई थ्री फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया वाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स तो वाई हमने लैक्ट किया था नंबर ऑफ पर्सन तो नंबर ऑफ पर्सन कितनी आई है सिक्स सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन टेन सो ट्राई क्वेश्चन इलेवन योर सेल्फ सो टूडेस एक्सरसाइजीन पॉइंट टू चैप्टर थर्टीन डायरेक्ट एंड इनवर्सो एंड एक्सरसाइजीन पॉइंट टू इज कम्पलीट आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन क्लियरली थैंक यू